हेलो फ्रेंड्स, टीनूज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पोहा, जिसे मैंने अच्छे से धुल लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची, जिसे मैंने पहले लंबा काट लिया है, फिर आधा कर लिया है। उसके बाद 8 से 10 हमें चाहिए करी पत्ता, आधा नींबू और नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ता और 2 बड़े चम्मच तेल। और तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच सरसों या राई, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कप मूंगफली। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें मूंगफली डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा। अब ये लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा और राई डालेंगे और इसको अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। इसके बाद हम इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च डालेंगे। इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। इसको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लग सकता है। अब प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप, ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और लगभग इसको 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम फ्राई किए हुए मूंगफली डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें धुला हुआ पोहा डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके लगभग 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पे रख देंगे। इसके बाद हमने जो आधा नींबू लिया था उसका रस निचोड़ लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया का पत्ता डालेंगे और इसको मिक्स करके दोबारा से 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हमारा पोहा पक चुका है, अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और इसको धनिया के पत्ते से डेकोरेट कर लेंगे। आप इसे भुजिया या सेव के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो कैसी लगी आज की ये पोहा रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।